इंदौर हो राज्य के राजा विचित्र वीर्य का एक लौता संतान युवराज हेमंत वीर्य आश्रम में शस्त्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद युवराज गुरुदेव के पास अलविदा कहने आए। प्रणाम गुरुदेव। आओ हेमंत आओ, आज तुम्हारा शिक्षा समाप्त हुआ, तुम श्रेष्ठ हुए, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये तलवार, ये मशाल और बसुरी सर्वदा अपने पास रखना, किसी मुसीबत में एक दिन ये मायावी वस्तु तुम्हारे काम आएंगे। जी गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। गुरुदेव से अलविदा लेकर राजकुमार अपने राज्य लौटे अपने पिता श्री के पास। सुनो बेटा, प्रदिशा की ओर एक राज्य है, सुना हो कि वहाँ की प्रजा बहुत तकलीफ में है। ठीक है, मैं कल ही वहाँ जाऊँगा, लेकिन राजकुमार बन के नहीं जाऊँगा। ठीक है, कल ही तुम वहाँ रवाना हो जाना, सावधानी से जाना। उसके बाद रवाना हो गए राजकुमार गिरिपथ राज्य के लिए। उस राज्य में पहुंचकर राजकुमार इधर उधर घूमने लगे। राजकुमार ये पता लगाने लगे उस राज्य की सुख शांति कैसे खो गई है और उसका कारण क्या है। क्या हुआ है मुझे बोलिए। राज्य के उत्तर दिशा के और पहाड़ पर एक दानव रहता है। क्या दानव? तू यहाँ का महाराज, उसे वध क्यों नहीं किया है? हाँ, सभी सैनिकों को खा लिया है वो दानव। राजकुमार हेमंत दानवों को मरने के लिए राजकुमार राजा के पास गए अनुमति लेने। महाराज मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस राज्य को बचाने के लिए दानव को मरना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें अनुमति है। राजा का अनुमति लेकर राजकुमार हेमंत रवाना हो गए बाहर की तरफ दानवों को मरने के लिए। साथ में ले गए गुरुदेव का दिया हुआ उपहार, मशाल, तलवार और बांसुरी। यात्रा करने के बाद राजकुमार आकर पहुंचे पहाड़ के सामने। वो रहा, एक गुफा दिख रहा है, दानव उसमें ही रहता होगा। हाँ, गुफा के अंदर इतना बड़ा सरोवर, दानवों की सांसों की आवाज आ रही है। सरोवर के उस पर से आ रही है, लेकिन इतना बड़ा सरोवर पार करके कैसे जाऊंगा। देखता हूँ गुरुदेव का बांसुरी बजा के क्या होता है। अब मैं उस पर जा सकता हूँ। हम ये क्या, आज आहार खुद आ गया। अच्छा है, आज मुझे बाहर जाना नहीं होगा। मैं तुम्हारा आहार बनकर नहीं, मौत बनकर आया हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ अरे हत्या नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। माफी मुझसे नहीं, महाराज से मांगो। ठीक है, सबको पहले तुम वापिस करो, सिर्फ सैनिकों को नहीं मेरे प्रजा को भी, फिर तुम्हारा फैसला होगा। महाराज अभी मैं वापिस करता हूँ। महाराज आप मुझे मुक्त कीजिए, अब मैं तुझे दुनिया से मुक्त करता हूँ। बोलिए महाराज, वो दानव सारे प्रजाओं को और सभी सैनिकों का जीवन दान कर दिया। वो ये भी मान गया कि जीवन में कभी नहीं नरहत्या करेगा। ये सब जानकर भी राजा ने क्यों दानव को मार दिए हैं? बोलिए महाराज, ये क्या राजा सही किए हैं? मैथल राजा समझ गए थे कि दानव पराजित होकर सभी सैनिक और प्रजा को वापिस कर दिया और माफी मांग लिया, लेकिन बाद में वो किसी और राज्य में जाकर फिर से अपना तंडप मचा देता और वह कभी सुख शांति सब छीन लेता। इसलिए राजा ने उस दानव का वध करके सही किए है बेताल।